बुरहानपुर जिले की महिलाओं ने असहाय बुजुर्गों को घर घर टिफिन पहुंचाने का बीड़ा उठाया है। दरअसल विगत 4 साल से रोटी बैंक संस्था इन बुजुर्गों को घर घर जाकर निशुल्क टिफिन पहुंचाती थी, लेकिन अचानक बीते दिनों रोटी बैंक नामक संस्था ने यह योजना बंद कर दी। इससे बुजुर्गों के सामने संकट पैदा हो गया। इसके बाद शहर की नौकरी पेशा महिलाओं ने दोबारा यह सेवा नारी शक्ति बुजुर्ग सेवा संस्था के नाम से योजना की शुरुआत की है। इसके लिए करीब 150 महिलाओं ने ताजा भोजन उपलब्ध कराने का जिम्मा लिया है। अब शहर के चिन्हित असहाय बुजुर्गों को इसका लाभ मिलेगा। महिलाओं की इस पहल से बुजुर्गों के चेहरे पर फिर खुशी के चेहरे खिल उठे हैं। जी, खाने पीने के लिए नहीं मिलता है, तो हम सब महिलाओं ने मिलकर नारी शक्ति सेवा संस्था नाम का एक समिति बनाई है, और जिसमें हम लोग ये निराश्रित लोगों को भले 100 हो 150 हो 200 हो, हम उनको मतलब एक टाइम सुबह खाना घर पर भिजवाएंगे, टिफिन व्यवस्था उनको करवाएंगे और उन लोगों का कैसे एक्शन प्लान आपके दिमाग में आया और क्या है इसके लिए क्या वजह है? बुरहानपुर में एक संस्था थी कभी रोटी बैंक, उन्होंने मना कर दिया कि अब हम नहीं कर सकते, ये तो उदाहरण रहे हैं। तो हमको ऐसा लगा कि कोई भी जो बुजुर्ग उन पर डिपेंड है तो वो कम से कम भूखे नहीं रहना चाहिए, तो उनसे हमने ये जिम्मेदारी ली कि आप उनको सब हैंड ओवर कर दीजिए और हम अपनी व्यवस्था में ये काम करेंगे। कितने लोग जुड़े संस्था से? ये बीड़ा उठाया है अभी हम लोग लगभग 200 लोगों का ग्रुप, इसमें 10 लोग हम जो है अपने मतलब किसी ना किसी पद पर रहेंगे और बाकी हमारे मेंबर्स रहेंगे और सारे मेंबर्स डोनेशन देंगे और उस तरीके से हम इनकी संख्या बढ़ाएंगे। हम आप लोगों की भी मदद लेंगे कि आपको इस तरह के कोई निराश्रित मिलते हैं तो हमको बताइए, हम उनको करेंगे। कब से ये व्यवस्था शुरू होगी? ये व्यवस्था 2-3 दिन में शुरू। आपका नाम? मैं इस संस्था ऐसा कोई नंबर भी जारी करो जो नंबर